हेलो गाइस, दिस इज अकी फ्रॉम टेक विद अकी। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा इन्फिनिक्स होट 11S की टॉप 5 सिंपल सेटिंग। ये जनरल सी सेटिंग है दोस्तों, मैं कोई आपको हाई फाई फीचर्स नहीं बता रहा, जस्ट सिंपल सेटिंग है जो कि दोस्तों डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अंदर दोस्तों ऐप्स को हाइड कैसे करना है, ऐप्स को लॉक कैसे करना है, फ्लैश पावर कॉल होगी दोस्तों, इसके अलावा स्क्रीन शॉट है और कॉल रिकॉर्डिंग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ऐप्स को हाइड कैसे करना है। इन्फिनिक्स होट 11S में ऐप्स को हाइड करने के लिए डेस्कटॉप पर आपने दोस्तों डबल पंच करना है, देन दोस्तों आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मेन्यू का, इस पर दोस्तों आपने टैप करना है और सेकंड ऑप्शन दोस्तों आप इसे हाइड ऐप्स का, इस पर आपने टैप करना है। तो यहाँ पर आपने दोस्तों पासवर्ड सेट करना है। एक चीज़ का दोस्तों यहाँ पर ख्याल रखिएगा, जो आपने पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है वो हैश से शुरू होना चाहिए, लाइक दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर डबल हैश दोस्तों यहाँ पर प्रेस कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर दोस्तों टेट्रा जीरो डायल कर दिया, तो यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड सेट हो चुका है। यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखा है सिक्योरिटी क्वेश्चन व्हाट इज योर मिडिल नेम, तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी दोस्तों आप लिखें। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया मिडिल नेम पर, उसमें क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर दोस्तों जक्की लिख देता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले ऑप्शन पर दोस्तों मैंने लिखा है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जक्की लिख दिया है आंसर पर। ऊपर से दोस्तों हमने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखने के बाद आप दोस्तों जहाँ पर जो भी लिखे उसे याद रखिएगा, उसके बाद टिक मार पर क्लिक करना है, देन दोस्तों आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे सभी कैसे दोस्तों आपको ऐप्स को हाइड करना है। मैं प्लस के निशान पर क्लिक करता हूँ, तमाम ऐप्स मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम पर दोस्तों मैंने चेक मार्क कर दिया है, इसके बाद मैं कन्फर्म करता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों क्या हमारा जो ऐप्स है वो डेस्कटॉप पर मौजूद है। तो हम आए थे दोस्तों डेस्कटॉप पर, तो आज यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी नहीं देख सकते, मतलब इंस्टाग्राम का जो ऐप है वो हो चुका है हाइड। यहाँ पर दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, ऐप्स है कम्प्लीटली तौर पर हाइड हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसे दोबारा से दोस्तों अनहाइड करना है, तो इसी के लिए दोस्तों आपको डबल पंच करना है, मेन्यू में आना है, देन अगेन दोस्तों आपको हाइड ऐप्स में यहाँ पर आपने जो पासवर्ड सेट किया था दोस्तों यहाँ पर उसे दोबारा लगाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है इसको दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट हो चुका है ये, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद ये दोस्तों हो चुका है, वापस आ चुका है डेस्कटॉप पर, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। इसके बाद अब दोस्तों आपको बताऊंगा ऐप्स को हाइड कैसे करना है, तो इसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों सिक्योरिटी का, तो यहाँ पर आपको दोस्तों आना है सिक्योरिटी के अंदर, देन दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर ऐप लॉक का। तो मैं यहाँ पर दोस्तों ऐप लॉक पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपने पैटर्न सेट करना है, कोई भी दोस्तों पैटर्न सेट कर लीजिए, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए ये वाला पैटर्न सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तमाम ऐप्स हमारे पास आ चुके हैं, तो कुछ इसी तरह से मैं दोबारा से ही इंस्टाग्राम को दोस्तों सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम दोस्तों इसका तो हो चुका है लॉक, तो यहाँ पर सेटिंग करने पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मतलब ये अभी तक तो दोस्तों यहाँ पर जो ऐप है वो लॉक है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगा जैसे अनलॉक दोबारा कैसे करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इंस्टाग्राम पर, दोस्तों आप ये देखते हैं ये इस वक्त मतलब लॉक हो चुका है, यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐप है वो लॉक हो चुका है। तो यहाँ पर पैटर्न सेट करने के बाद ये दोस्तों अनेबल हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी दोस्तों इसको कैसे करना है अनलॉक, इसके लिए दोबारा से आएंगे सिक्योरिटी के अंदर, देन आपको आ जाना है ऐप लॉक के अंदर, दोबारा से दोस्तों पासवर्ड सेट करना है, सेटिंग के अंदर आना है। सबसे पहले दोस्तों इसे अनलॉक मतलब दोबारा से जो किया है लॉक किया था इसे अनलॉक कर दीजिए, सेटिंग में आइए और यहाँ पर लिखा है अनेबल ऐप लॉक, तो इसको दोस्तों टर्न ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों लिखा है टर्न ऑफ, टर्न ऑफ करने के बाद ये दोस्तों हमारे पास अनलॉक हो गया, पहले लॉक किया था अभी अनलॉक हो चुका है, तो डायरेक्टली दोस्तों ये ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है फ्लैश पावर कॉल, तो इसके लिए दोस्तों आपको डायलर पर क्लिक करना है, देन आपको दोस्तों कॉर्नर में ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, इस पर दोस्तों आपने टैप करना है, वो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं फ्लैश पावर कॉल्स का, इसे अनेबल कर लीजिए। तो ये दोस्तों अनेबल हो चुका है, अब आपके स्मार्टफोन पर जब भी कॉल आएगी तो आपके स्मार्टफोन की जो लाइट है दोस्तों वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी। और सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर अनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, तो इसे अनेबल करने के बाद आपके स्मार्टफोन पर कॉल रिकॉर्डिंग है वो ऑटो सेट हो जाएगी, को जब भी दोस्तों कॉल आएगी आपके स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग दोस्तों सेट कर दिए। अदरवाइज जब आप कॉल मिलाएंगे, कॉल को दोस्तों रिसीव कर रहे होंगे, वहाँ पर भी दोस्तों आपके पास ऑप्शन होगा उसे रिकॉर्ड करने का, तो ये दोस्तों ऑटो के लिए, देन वहाँ से आप हर बार मैनुअली आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आप ऑटो करेंगे हर कॉल आपकी दोस्तों रिकॉर्ड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास दोस्तों जो लास्ट फीचर है वो है स्क्रीनशॉट, तो इसके लिए दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है, तो यहाँ पर आपके पास इसके दोस्तों
तीन मेथड है स्क्रीनशॉट का दोस्तों, जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट मिल जाएगा कुछ इस तरह से। देन आपको दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहा है, अभी थ्री फिंगर के साथ स्क्रॉल डाउन करेंगे तब भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका तरीका भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बाद स्क्रीनशॉट पर क्लिक करते हैं तो आप दोस्तों इसे एडिट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट को। ये यहाँ पर दोस्तों मैं क्रॉप कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीनशॉट का जो साइज़ है, जितना साइज़ आप दिखाना चाहते हैं, ये जितना दोस्तों सरफेस आप दिखाना चाहते हैं तो दोस्तों इसे क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद आप दोस्तों इसे मतलब जितना चाहे वहाँ से दिखा सकते हैं। इसके अलावा डूडल का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर आप दोस्तों कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसे मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो आप दिखाना नहीं चाहते, ब्लर करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको ब्लर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब स्क्रीनशॉट को दोस्तों यहाँ पर लिखा है फ्रेम स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर दोस्तों मैं दोबारा से आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊंगा तभी फ्रेम का ऑप्शन दोस्तों वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा दोस्तों फ्रेम स्क्रीनशॉट। तो अब आपका जो स्मार्टफोन है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों एक स्क्रीनशॉट मिल सकता है, फ्रेम के अंदर स्क्रीनशॉट मिल सकता है। तो ये ऑप्शन दोस्तों एक यूट्यूबर के लिए है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब जिनके पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है कि मतलब वो उसे अच्छी वीडियो बना सकें, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए इस फ्रेम को यूज़ करते हुए वो वीडियोज़ बना सकते हैं। तो अब आपका जो स्क्रीनशॉट है वो मोबाइल के अंदर आ चुका है। तो इसके बाद जो थ्री फिंगर वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसके लिए आपको आना है सेटिंग के अंदर और इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा स्पेशल फंक्शन के नाम से। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं स्पेशल फंक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपको दोस्तों चले जाना है एक्शन एंड जेस्चर के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक स्क्रीन शॉट विद थ्री फिंगर, ये ऑप्शन दोस्तों ऑलरेडी अनेबल है। अगर आपके पास अनेबल नहीं होगा तो आप दोस्तों इसे अनेबल कर लीजिए। ऑन करने के बाद थ्री फिंगर के साथ मैंने स्क्रॉल डाउन किया है तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन शॉट आ चुका है। तो ये था दोस्तों सेकेंड मेथड। तो इसके बाद दोस्तों थर्ड मेथड आपको बताने वाला हूँ स्क्रीन शॉट का। तो आपको दोस्तों वॉल्यूम डाउन एंड होम मेन्यू बटन दोनों ही सेम टाइम में प्रेस करने हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपके पास दोस्तों स्क्रीन शॉट मिल चुका है। तो ये थे तीन मेथड स्क्रीन शॉट के। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने तमाम सेटिंग दोस्तों बता दी जनरल सी जो सेटिंग है स्मार्टफोन की। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाओ उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।